गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू. क्लास 7, चैप्टर 3, डाटा हैंडलिंग. टुडे वी स्टार्ट इट्स थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 3.2. फर्स्ट वी नो द मीनिंग ऑफ मोड. द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन. बेटा, हमें जब क्वेश्चन में मोड निकालने के लिए कहा जाता है तो मोड का मतलब होता है कि जो भी हमें ऑब्जर्वेशन यानी जो डाटा दिया गया है उनमें से वह डिजिट या नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही आंसर में मोड होगा. जैसे हम अपनी ही बुक का एग्जांपल नंबर 4 करेंगे तो देखिए एग्जांपल 4 हैं. द मोड ऑफ, हमें क्या करना है, पे फाइंड करना है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स. यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं जिसका हमें मोड निकालना है. नंबर्स हैं 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 4. इस तरह से हमें क्वेश्चन दिए गए होंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. सॉल्यूशन में आप लिखेंगे अरेंजिंग द नंबर्स विथ सेम वैल्यूज टुगेदर वी गेट. अब आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे 1, 1 कितने टाइम आया है, यहाँ पे कितनी बार है, 1, 2, 3, यानी 1, 3 टाइम रिपीट हुआ है तो हम लिखेंगे 1, 1, 1. नेक्स्ट आप देखेंगे 2, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है तो 2, 1, 2, 3, 4. 2 यहाँ पे 4 टाइम आया है, 1, 2, 3, 4. फिर है 3, 3 यहाँ पे 1 टाइम है तो 3 लिखिए. फिर है 4, 4 यहाँ पे 2 टाइम आया है तो 4, 4 लिखेंगे. इस तरीके से सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा. अब आप देखिए 1, 3 टाइम आया था, 2, 4 टाइम आया है, 3, 1 टाइम है और 4, 2 टाइम है. तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, 2. हमारा आंसर क्या होगा, 2. मोड ऑफ दिस डाटा इज 2 बिकॉज इट अकर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन अदर ऑब्जर्वेशन. तो इस तरीके से आप मोड फाइंड करेंगे. स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2. क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोस. यानी हमें यहाँ क्वेश्चन में 25 में से मार्क्स दिए गए हैं. बच्चों के मैथ्स में 15 स्टूडेंट्स हैं जिनके 25 में से मार्क्स आए हैं. जैसे किसी के 19 हैं, 25, किसी के 23 हैं, 20 भी हैं, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20. अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, आर दे सेम. यहाँ पे हमें एक तो मोड निकालना है और मीडियन निकालनी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डेटा दिया गया वो लिखेंगे. गिवन डेटा क्या है, 9, 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20. सबसे पहले इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं. तो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप जमाएंगे, इसे अरेंज करेंगे तो देखिए सबसे पहले 5, फिर 9 आएगा, देन 10, 12, 15, 16, 19. और आप देखेंगे कि जो हमें यहाँ पे डाटा प्रोवाइड किया गया है इसमें 20 जो है 4 टाइम आया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 20, 20, 20, 20. नेक्स्ट है 23, 24, 25 एंड 25. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है, 20. हमारा मोड क्या होगा, 20. आप इसे लैंग्वेज में लिखेंगे
20 occurs 4 times, यानी हाईएस्ट नंबर जो है वो 20 है, तो हमारा आंसर भी यहाँ पे मोड में 20 आएगा। देखिए क्वेश्चन में हमें सेकंड मीडियन निकालना था, तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है n प्लस 1 अपॉन 2, यह एक फॉर्मूला है। n का मतलब होता है हमें यहाँ पे कितने नंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो हमें यहाँ पे 15 बच्चों के, या हम कह सकते हैं 15 स्टूडेंट के मार्क्स प्रोवाइड किए गए थे। आप इसे काउंट भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15, यानी n हमारा होता है 15। तो as per formula आप लिखेंगे 15 plus 1 divided by 2, तो जब हमने 15 में 1 plus किया तो आया 16 divided by 2, तो क्या आएगा 8th term, यानी कि 8 नंबर पे क्या लिखा है यहाँ पे देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर पे 20 आया है, तो हमारा मीडियन क्या होगा 20। और आप देखेंगे कि हमारा मोड और मीडियन दोनों ही 20 है, तो बोथ आर सेम। क्वेश्चन नंबर 2, द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलो, यानी 11 प्लेयर हैं जिसका स्कोर हमें दिया गया है 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, फाइंड द मीन मोड मीडियन, मीन मोड मीडियन हमें फाइंड करना है ऑफ दिस डाटा, आर द 3 सेम। और जब आप ये तीनों आंसर निकालेंगे यहाँ पे मीन मोड मीडियन, तो क्या यह सेम है हमें यह भी बताना है। तो बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे मीन, और मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं आपने एक्सरसाइज 3.1 में बहुत अच्छे से सीखा था। पहले आप लिखेंगे गिवन डाटा, जो भी हमें डाटा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है वह आप लिखेंगे। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ ऑल द नंबर्स मीन्स होता है 6 plus 15 plus 120 plus 50 plus 100 plus 80 plus 10 plus 15 plus 8 plus 10 plus 15, ये जो नंबर्स हैं इन सभी को प्लस किया जाएगा, और डिवाइड में 11 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सभी कितने हैं नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे 11 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 का जब हम डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आता है 39, तो हमारा मीन क्या हुआ 39, यानी फर्स्ट आंसर 39। सेकंड पॉइंट था मोड, तो मोड निकालने के लिए सभी नंबर्स को इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, तो आप लिखेंगे अरेंजिंग द गिवन डाटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इन सभी नंबर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे जो डेटा दिया गया है इसमें 6 आता है, सेकंड पे 8, फिर 10, अब 10 देखिए 1, 2 टाइम 10 है तो आप 10 लिखेंगे, 15, 1, 2, 3, 15 3 टाइम आया है तो हम 15, 15, 15 3 टाइम लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है 50, देन 80, फिर 100 और 120, तो इस तरह से सभी नंबर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और आप देखेंगे यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा बार 15 आया है, 15 3 टाइम आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा 15। तो हमारी सबसे पहले जब हमने मीन फाइंड किया था तो 39 आया था, मीन के बाद में हमारा मोड जो है वो 15 आया है। थर्ड नंबर पे हमें निकालना है मीडियन,
मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2, तो n यहाँ पे है 11, तो आप क्या लिखेंगे 11 प्लस 1 अपॉन 2, जब हम 11 में 1 प्लस करते हैं तो आता है 12 में डिवाइड देंगे 6, 2 का तो आंसर आएगा 6, यानी आपको 6th टर्म देखनी है। तो यहाँ पे 6 नंबर पे क्या है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे मीडियन क्या आएगा 15। अब आप नीचे एक बार सभी को लिखेंगे, मीन 39, मोड 15 एंड मीडियन 15। और लास्ट में हमसे पूछा गया था कि क्या सभी सेम हैं, तो देखिए हमारा जो मीन है वो 39 आया था, इसका मतलब हमारे तीनों आंसर सेम नहीं हैं। आप लिखेंगे नो, दे आर नॉट सेम। क्वेश्चन नंबर 3, द वेट, वेट जो है हमें किलोग्राम में दिया गया है, और यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट्स का वेट है 15 का, यानी आपका n इक्वल्स टू 15 हो गया। 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47। तो अब देखिए फर्स्ट पॉइंट पे क्या है, फाइंड द मोड, एक तो हमें मोड निकालना है और मीडियन, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। थर्ड हमें निकालना है, सेकंड पॉइंट, इज देयर मोर देन वन मोड। तो बेटा देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें यहाँ पे डाटा प्रोवाइड किया गया है वो लिखेंगे, और फिर इन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में जब आप अरेंज करेंगे तो 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 40, 42, 43, 43, 43, 45, 47, 50। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है, जैसे 38 भी 3 टाइम आ रहा है, 43 भी 3 टाइम आ रहा है, तो अब हम मोड क्या लिखें, क्योंकि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वही मोड कहलाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, मोड दोनों ही लिखेंगे, 38 एंड 43। नेक्स्ट हमें फाइंड करना था मीडियन, तो हमारा n इक्वल्स टू 15 था, क्योंकि हमें 15 स्टूडेंट का डाटा दिया गया है, तो n इक्वल्स टू 15। मीडियन का फॉर्मूला आप लगाएंगे, n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म, n इक्वल्स टू 15 प्लस 1 तो हो गए 16, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आता है यहाँ पे 8, और 8th टर्म यानी 8 नंबर पे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे ऊपर, 32, 35, 36, 37, 38, 38, 38, 40, यानी आपका यहाँ पे मीडियन जो है वो क्या आएगा, 40 आएगा। तो अब देखिए मोड तो है यहाँ पे 38 एंड 43, मीडियन है 40, और यहाँ पे हम लिखेंगे यस द गिवन डाटा हैज़ टू मोड्स 38 एंड 43। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, यानी आपको जो यहाँ पे डाटा दिया गया है डाटा, इसका हमें मोड और मीडियन निकालना है, तो वही प्रोसेस, सबसे पहले हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 16 एंड 19। तो इन्हें अरेंज करने पर हमें पता चला कि 14 जो है वो 3 टाइम आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार 14 आया है, तो हमारा मोड क्या होगा 14। अब आप देखेंगे हमें 9 स्टूडेंट का डाटा दिया गया था, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 9 होगा, और मीडियन का फॉर्मूला आप लगाएंगे n प्लस 1 अपॉन 2, यानी 9 प्लस 1 अपॉन 2 तो होता है 10 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5। अब देखिए 5th नंबर पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 14 है, तो हमारा मीडियन भी 14 आएगा और मोड भी 14 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ट्रू फॉल्स है,
टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा. यस. सेकेंड, द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन द डाटा. फॉल्स. देखिए, जो आप मोड फाइंड आउट करते हैं, मोड का आंसर हमें जो डेटा प्रोवाइड किया गया उसी में होता है, और मीन हमेशा अलग आता है, तो यह फॉल्स होगा. द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा. ट्रू. द डाटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 हैज मीन 9. फॉल्स, क्योंकि मीन जो होता है वो कभी भी दिए गए डाटा में से आंसर नहीं निकलता है. और हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है. आई होप आपको यह सारा समझ में आया होगा. यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.